चलिए दोस्तों, हम आपको खोल कर दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। और 30 साल पुराना कैमरा है तो कुछ तो खास बात होगा इसमें ही, कि कैसा कैमरा है, क्वालिटी कैसा है इसका, अभी के टाइम मिल रहा है। 30 साल पुराना मतलब बहुत ज़्यादा। इसके दाबने से यहाँ पे फोटो क्लिक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम दाबेंगे तो यहाँ फोटो क्लिक। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। सो दोस्तों, बहुत दिन बाद मैं वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगह घूमने गया था तो वहाँ का मतलब बहुत सारा वीडियो रखा था बचा के, तो ये डेली अपलोड कर रहा था। तो सोचा कि आज फाइनली आज टाइम मिल गया है, क्योंकि आज एग्जाम भी था मेरा भूगोल का, तो वो भी ख़त्म करके आज आ गए। अब दो दिन बाद एग्जाम है तो उसका भी तैयारी करेंगे। सोचा कि बीच में एक वीडियो शूट करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे पास एक बहुत पुराना कैमरा मिला है, सोचा कि उससे वीडियो शूट करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे, फिर क्या है उसके बारे में सब बताएंगे। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैमरा कौन सा है, हमें कैसे मिला वो भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम खेत की तरफ अपने हैं, यहाँ पे आलू मेरा है, इधर प्याज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सोचा कि इधर ही वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि उधर जा रहे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब एक गांव में किसी का डेड हो गया था, तो उस डेड बॉडी लेकर जा रहे थे ना, तो हम वहाँ पे रोड पे वीडियो शूट करते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे वो सब लेकर जा रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। तो सोचा कि यहीं से वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं वो कैमरा कौन सा है। तो दोस्तों, ये कैमरा मैंने नीचे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा है, चलिए मैं आपको उठाता हूँ। तो दोस्तों, आप इस कैमरे के बारे में जानते हैं तो फटाक से कमेंट कर दीजिएगा नीचे जाकर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ इसका दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये कैमरा दिया है मेरा एक दोस्त ही है, बड़े पापा का लड़का, उसने दिया है मेरे को एक कैमरा। तो कहा कि इसे वीडियो शूट कीजिएगा, आप दिखाइएगा कैसा क्वालिटी आ रहा है। जब मैंने वीडियो शूट करने गया इसे, तो पता क्या चला कि ये कैमरा तो डेड है। डेड का मतलब ये चालू नहीं होता है। तो हमने फिर उसके बाद इसको चालू करने की कोशिश की, इसमें सेल लगाया, सोचा कि चालू हो जाएगा, बट ये चालू नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इसमें लाइट जल रहा है। अगर इसको दिखाएंगे तो शॉप पे कहाँ जहाँ कैमरा बनता है, शायद रिपेयर करके दे दें। तो लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, इसका अनबॉक्सिंग मतलब इसको खोल कर दिखाया। तो चलिए दोस्तों, हम आपको खोल कर दिखाते हैं इसके अंदर क्या है। और 30 साल पुराना कैमरा है तो कुछ तो खास बात होगा इसमें ही, कि कैसा कैमरा है, क्वालिटी कैसा है इसका, अभी के टाइम मिल रहा है। 30 साल पुराना मतलब बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। उस समय जब जो कैमरा आता था उसका वैसा वो सीन नहीं था, मतलब पहले हम नेगेटिव या फिर कुछ ऐसा ब्लैक फ़ोटो आता था पूरा, उसमें ग्राफिक नहीं था उतना क्लियरली कि हमें HD मतलब क्वालिटीदार फ़ोटो मिल सके। तो कुछ ऐसा ही कैमरा मुझे भी लग रहा है। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं कि कैसा, इसको खोल कर दिखाएंगे, अब बताएंगे आपको कैसा इसमें क्या लगा है। तो वीडियो को फटाक से आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए। चलिए हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है ये। तो हम इसको सिंपली रखते हैं यहाँ पे नीचे अपने फ़ोन को। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा काम करता है। इसका ये है, इसके दाबने से यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम दाबेंगे तो यहाँ फ़ोटो क्लिक होगा। इसको बार बार ऐसे घुमाना पड़ता है। इसमें दोस्तों, ये आपको बता दो तो यहाँ पे ये रील्स वाला सिस्टम है। पहले होता तो क्या, इसमें रील लगता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे S लिखा है। अगर हमें फ़ोटो खींचना होता तो हम कहाँ देखते थे, इसमें देखते थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें देखते थे, मतलब इसमें क्लियरली पता चलता है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर कुछ दिख रहा है आपको कि नहीं, क्लियरली तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी दिख रहा होगा आपको। कुछ ऐसा ही सिस्टम इसका है, अगर इसको खोल कर पूरा दिखाऊँ तो इधर का आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दोस्तों इसका सीन था। इसमें रील लगता था, जब हम इसको घुमाते थे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे घूमता था, जब ये घूम जाता था तो एक बार क्लिक करने पे यहाँ फ़ोटो क्लिक हो जाता था। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं एक बार घुमा कर आपको दिखा रहा हूँ, इसमें हल्का से लाइटिंग जलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखा। तो दोस्तों, यही कुछ ऐसा रील था इसमें, जब हम इसको ऐसे करते थे, अब निकलता था कैसे ये भी पता नहीं है। इसका जो टेप आता था यहाँ पे लगता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत पुराना कैमरा है लेकिन अभी भी वर्क करता है। इसमें जो ये लाइट दिया है, ये वाला रेड वाला, ये जलता है यहाँ पे। तो एक बार हम सोच रहे हैं ना कि इसको जहाँ कैमरा रिपेयर होता है एक बार वहाँ ले जाएं, इसको बनवाएं, शायद बन जाए, लेकिन बनाकर करेंगे क्या इसको भी, क्योंकि अब तो रील्स का ज़माना नहीं रहा कि वो रील डालकर अपना फ़ोटो या वीडियो बना सके इससे। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि इसको कुछ ना करें। हाँ, लेकिन मेरे पास था तो सोचा कि आपको भी दिखा दें कुछ कैसा है। अगर आप कुछ ऐसा कैमरा जानते हैं इसके बारे में तो कैसे चालू होगा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे एक बटन भी दिया है, ऐसे कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पे इसका सेल लगता है। तो चलिए मैं इसको भी ओपन करके हल्का दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से इसका सेल लगता है,
यहाँ पे इसका डबल बैटरी, इसमें बैटरी जो लाइट में आप लगाते हैं वो भी लग जाएगा इसमें, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसा था ये कैमरा, क्योंकि मेरे कुछ काम का है नहीं, तो हम तो फिलहाल मोबाइल से ही वीडियो शूट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए अंदाज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।